बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे लोग ठीक होंगे। अब जो है वो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर हम अपने कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोगों को पता हो कि ये बेसिक चीज़ें क्या हैं जिनके ऊपर ये हमारा पूरा कोर्स डिपेंड करेगा। तो आज बेसिकली हमारा जो पहला लेक्चर है वो उसी के अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे कि मैंने आप लोगों को लॉ बताया था कि आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई किसी तरीके की भी आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, तो आप लोग बिला झिझक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दें, आप लोग वॉइस मैसेज कर दें, आप टेक्स्ट मैसेज कर दें, जिस तरह की जो भी क्यूरी होगी आप लोग वो लाजमी डिस्कस करें, ताकि हम लोग उसे रिजोल्व कर सकें। अब हम डेटाबेस सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं अपने इस कोर्स को। अब हम इसकी कोई बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें उन्हें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं डेटा क्या होता है। डेटा बेसिकली क्या है? रॉ फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। जो आपके पास रॉ फैक्ट एंड फिगर हैं वो आप लोगों के पास डेटा होता है। रॉ मीन्स फैक्ट नॉट प्रोसेस्ड, ठीक है। आप एग्जांपल ले लें कि हम जब भी कोई काम करते हैं, जैसे आप क्लास की एग्जांपल ले लें, हम क्लास में क्या कहते हैं कि मैं आप सारे बच्चों के नाम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि इस क्लास में कौन कौन से बच्चे जो हैं वो ये हैं। अब सारे बच्चों का वो जो मैंने नाम लिख लिए हैं कि जी इनका नाम ये है, इस बच्चे का नाम ये है, इस बच्चे का नाम ये है, वो सारे बच्चों के अब जो नाम आ गए हैं मेरे पास, वो बेसिकली मेरे पास क्या आया? डाटा आया। रॉ फैक्ट एंड फिगर है, उसके ऊपर कोई मैंने प्रोसेस नहीं किया, मैंने नहीं देखा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज इतनी है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके क्या ग्रेड आए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो आप कह लें कि लास्ट सेमेस्टर में थे या नहीं थे, ऐसा कुछ भी उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं है। सिंपल मैंने आप लोगों से आप लोगों का डाटा लिया, आप लोगों की एक छोटी सी जो आप लोगों के वो फैक्ट्स हैं वो ले लिए हैं। तो इसे हम ऐसी चीज़ों को जिसके ऊपर हमने अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं की, हम लोग सिर्फ जस्ट उसे गैदर कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या होगा? आपके डाटा होगा, आपका डाटा होगा, उसे हम क्या कहते हैं? रॉ फैक्ट एंड फिगर, जिसके ऊपर अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई, हमने सिर्फ चीज़ें गैदर की हैं। जैसे कि एग्जांपल में भी यहाँ पे उसने लिखा हुआ, एग्जांपल ऑफ डाटा एडमिशन फॉर्म ऑफ स्टूडेंट फॉर एडमिशन सेंसेस हो गया। अब जिस तरह के आप लोगों को पता है कि जब भी एडमिशन किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, किसी जगह पे भी होते हैं, वहाँ पे मल्टीपल लोग आते हैं, वो अब अपने फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, फॉर्म एक गिवन होता है उन्हें, वो उस फॉर्म को फिल करते हैं, वो सारी डिटेल हमें लिख के देते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आए हैं, तो आप लोगों ने बताया जी एफएससी में हमारे इतने मार्क्स थे, हमने आईसीएस किया हुआ है, हमने एफएससी की हुई है, हमने प्री मेडिकल किया है, हमने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, हमारे एनटीएस में इतने मार्क्स हैं, या जो भी आप अपनी डिटेल दे रहे हैं वो बेसिकली क्या है? डाटा दे रहे हैं। अब उस डाटे के ऊपर कोई भी अभी हमने प्रोसेस नहीं किया, उस डाटे को अभी कुछ भी हमने प्रोसेस नहीं है की है, वो हमारे पास एक सिंपल सी आप लोगों के फैक्ट्स जो हैं वो हमारे पास आए हैं। तो ऐसे जो सिंपल फैक्ट्स होंगे उन्हें हम कहते हैं डाटा है, ये हमारा डाटा है। तो ऐसे इसकी एग्जांपल दूसरी जो है वो सेंसिस की भी है, ये जो मर्दमशुमारी वगैरह होती है ये भी सेंसिस, ये हमारे पास डाटा ही होता है। अब हम दूसरी देखते हैं टाइप ऑफ डाटा। बेसिकली हमारे पास डाटा कितनी तरह का होता है। सबसे पहला न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा जिसके अंदर आप कह लें सिर्फ डिजिट होते हैं, 1, 2, 3, जिसने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया 363, -4, ये सारा हमारे पास क्या है? न्यूमेरिक डाटा। डाटे की भी टाइप है, ठीक है, कि न्यूमेरिक डाटा है, अल्फा बेटिक डाटा है हमारे पास, अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, इमिट डाटा है, ऑडियो डाटा है, वीडियो डाटा है। तो न्यूमेरिक डाटा बेसिकली क्या होगा? जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास डिजिट होंगे। दूसरी जो है हमारे पास वो है अल्फाबेटिक डाटा। अल्फाबेटिक डाटा क्या है? ए टू जी तक हमारे पास, जैसे आप कह लें कि जी आपका ग्रेड क्या है, वो ए है, बी है, तो वो बेसिकली हमारा क्या है जी? अल्फाबेटिक डाटा है। आपके रोल नंबर क्या है? वो न्यूमेरिक डाटा है, जो हमारे पास डिजिट की फॉर्म में होते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। दोनों चीज़ें जो हमने ऊपर देखी हैं, न्यूमेरिक डाटा और अल्फाबेटिक डाटा, इन दोनों का कम्बिनेशन मीन्स के
अल्फाबेटिक डाटा भी आ सकता है, न्यूमेरिक डाटा भी आ सकता है, और साथ में स्पेशल करेक्टर जैसे उसने यहाँ पे शो किया गया, प्लस हो गया, ये डॉलर साइन हो गया, आपके पास एट द रेट साइन हो गया, परसेंटेज का साइन हो गया, एक्सेट्रा मल्टीपल, यानी कि आप वो स्पेशल करेक्टर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जिसकी एग्जाम्पल आप एड्रेस वगैरह जो लेते हैं, एड्रेस वगैरह में आप लिखते हैं एड्रेस, आप अपने घर का एड्रेस देते हैं कि जी स्ट्रीट नंबर ये है, हाउस नंबर ये है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ये है, ये हो गई। उसके बाद अगर आप देखें तो आप मोबाइल नंबर में जब कंट्री कोड लिखते हैं, +92 +91 ऐसा जो भी लिखा जाता है, वहाँ पर स्पेशल करेक्टर भी आ गया और साथ में हमारे पास न्यूमेरिक डाटा भी आ गया। तो यानी कि आप अल्फा न्यूमेरिक डाटा किसे कहते हैं, जो आपके पास कॉम्बो कॉम्बो किस चीज़ का, न्यूमेरिक डाटा का, अल्फाबेटिक डाटा का, ये दोनों कंबाइन हो और साथ में उसके साथ स्पेशल करेक्टर भी ऐड हो। उसके बाद हमारे पास आता है इमेज डाटा, इमेज के फॉर्म में आपके पास डाटा हो, पिक्चर होगी, चार्ट होगी, ग्राफ्स होगी, ड्राइंग्स होगी, ये सारा हमारे पास क्या है, इमेज डाटा। उसके बाद ऑडियो डाटा, साउंड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो, म्यूजिक, स्पीच, ऐसा। तो आप फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ऑडियो भेजते हैं, वो बेसिकली क्या है मेरे पास, एज अ ऑडियो डाटा है, ठीक है। आपको मैं वही वॉइस मैसेज भेजता हूँ, या आपको कोई आपका फ्रेंड वॉइस मैसेज भेजता है, वो बेसिकली मेरे पास ऑडियो डाटा होंगे। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर पे जो है वो है वीडियो डाटा। वीडियो डाटा बेसिकली जो हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, फुल मोशन इमेज प्लेड एट हाई स्पीड, यानी कि जो हम वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे ये हमारे पास वीडियो डाटा है। अब हम आगे देखते हैं, आगे है इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हमने क्या देखा, डाटा क्या है, ठीक है, डाटा के टाइप्स क्या हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हमने डाटा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जी एडमिशन के लिए हमारे पास आए हैं, उन्होंने फॉर्म जमा करवाया कि जी हमने FSC की है, इतने मार्क्स आए हैं, NTS के इतने मार्क्स आए हैं, हमने ये किया हुआ है, वो सारा हमारे पास डाटा था। अब मेरिट बनने लगा है कि जी किन लोगों को हमने रखना है, कौन मेरिट पे आता है, कौन मेरिट पे नहीं आता। अब उस सारे डाटे के ऊपर जो प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जो हमें चीज़ आपके सामने आएगी, वो बेसिकली क्या होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन। एक तो ये एग्जांपल जो हमने डिस्कस की थी, और उससे पहले जो हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि मैंने आप सारे स्टूडेंट्स के नाम ले लिए हैं, अब मैं कहता हूँ कि जी ए से कितने नाम स्टार्ट होते हैं, बी से कितने स्टार्ट होते हैं, इस एज के कितने बच्चे हैं, इस एज में कितने जो हैं मेल हैं, कितने फीमेल हैं, ये सारा जो उस डाटे के ऊपर काम हो के मेरे पास एक रिजल्ट आया, वो बेसिकली क्या है, इन्फॉर्मेशन। एक एग्जांपल आप ये भी कह लें कि 30 स्टूडेंट थे, 30 स्टूडेंट ने पेपर दिया है, ये सारा डाटा था हमारे पास, पास कितने हुए हैं, फेल कितने हुए हैं, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन। 30 ने पेपर दिया था, 25 पास हुए हैं, 5 फेल हुए हैं, ये बेसिकली हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। 30 ने पेपर दिया था, ये हमारे पास डाटा था। ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, यानी कि हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, तो उसे हम बेसिकली इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, डाटा प्लस प्रोसेसिंग, डाटा के ऊपर जब आप प्रोसेसिंग करेंगे तो जो रिजल्ट आता है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन। ओके हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम रावलपिंडी जनरेटेड फ्रॉम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में हमारे पास मल्टीपल सिटी के स्टूडेंट आए हुए हैं, हम कहते हैं जी रावलपिंडी के कितने स्टूडेंट हैं, या आप कह लें लाहौर के कितने स्टूडेंट हैं, उकाड़ा के कितने स्टूडेंट हैं, या आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कह लें कि इस डिस्ट्रिक्ट के कितने स्टूडेंट हैं, या आप कह लें कि सूबे पे चले जाएँ आप कि जी पंजाब के कितने हैं, सिंध के कितने हैं। आप लोग जो उसके बाद उस डाटे के ऊपर प्रोसेसिंग के बाद जो चीज़ गेट करेंगे, वो बेसिकली आपकी क्या होगी, इन्फॉर्मेशन। टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड लिटरेसी रेट जनरेटेड फ्रॉम सेंसिस, फिर हमने सेंसिस लिया, सेंसिस क्या था बेसिकली, हमने पिछले एग्जांपल में भी डिस्कस किया था, वो हमारे पास था डाटा। अब उसके रिजल्ट में हमने क्या किया, जी कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, ये जो आया कि जी हमारे पास 1000 लोग थे, 1000 में से 500 पढ़े लिखे थे, 500 अनपढ़ थे, तो ये हमारे पे लिए हुई इन्फॉर्मेशन। अब 1000 लोगों पे जब हमने लिया था, पहले हमें कुछ रिजल्ट नहीं था कि पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे, हमने उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग की, कोई मैकेनिज्म अप्लाई किया, और उससे जो हमने गेट किया, जो हमें रिजल्ट मिला, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। ओपिनियन ऑफ पीपल फ्रॉम सर्वे, के लोगों, हमने सर्वे किया, हमने लोगों की राय ली है, हमने लोगों से पूछा कि जी आप किसी के भी कह लें कि फूड चेन है, वो अपने आप कह लें कि सर्वे कर रही है कि जी हमारा खाना कैसा लगा आपको, एक्सीलेंट है, गुड है, वेरी गुड है। अब वो सारा हमारे पास डाटा है,
अब उसके बाद हमने देखा कि जी उसके ऊपर प्रोसेसिंग की कि 100 लोग आए थे, कितने ने एक्सीलेंट कहा है, कितनों ने वेरी गुड कहा है, कितनों ने एवरेज कहा है। तो ये बेसिकली जो आया हमारे पास कि जी 50 कह के गए हैं एक्सीलेंट है, 25 कहते हैं जी गुड है, और 25 ही कह रहे हैं जी एवरेज है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, ये बेसिकली हमारे पास क्या होगी, हमारी इन्फॉर्मेशन। अब डाटा और इन्फॉर्मेशन में अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बिला झिझक मुझसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे डिफरेंस है डाटा का और इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे देखें आप प्रोसेसिंग की सबसे पहले वो बात करें, यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिए गए हैं और डाटा और इन्फॉर्मेशन के हवाले से उसने डिस्कस किया है। प्रोसेसिंग में देखें डाटा जो होता है हमारे पास, उसके अंदर वो हमारे पास रॉ होता है, उसके ऊपर मीन्स कि हमने कोई प्रोसेसिंग की नहीं होती, जबकि इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास प्रोसेस्ड हुआ हुआ आता है, यानी कि हमने उसके ऊपर काम किया होता है, और डाटा हमारा इनपुट होता है और इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी आउटपुट होते हैं। अगर आपको कंप्यूटर की एक बेसिक डेफिनेशन याद हो कि कंप्यूटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है रॉ फैक्ट एंड फिगर को इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो वही बात है कि जी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और हमें एक रिजल्ट देता है जिसे हम आउटपुट भी कहते हैं, और वो हमारे लिए बेसिकली क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। मीनिंग्स के आप दूसरा तीसरा पैरामीटर जो है नॉट मीनिंगफुल, कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक फूड चेन है, उसने सर्वे लिया, उसने सर्वे 100 पीपल 100 लोगों का ले लिया। अब डाटा तो आ गया लेकिन हम उससे कोई रिजल्ट नहीं गैदर कर सकते कि यार ये ठीक है गलत है, कि हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि नहीं। जब तक हम उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग ना करें, जब तक हम उसे डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट ना करें। आगे है वॉल्यूम, वॉल्यूम आप देखें डाटा हमारे पास ज़्यादा होता है, ह्यूज होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन शॉर्ट होती है। जैसे कि डाटा मैंने 1,000 लोगों का लिया, अब 1,000 लोगों के नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, मल्टीपल चीज़ें जो हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या के इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अनपढ़ हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो शो हो रहा है कि डाटा हमारे पास यूज होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास शॉर्ट कम्पैक्ट फॉर्म में आती है। उसके बाद सेल के वाले से वो कहता है जी डाटा जो सा होता है वो नोट फॉर सेल होता है, एसेट होता है हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो सा होगा वो उसका एसेट होगा, जबकि इन्फॉर्मेशन वो फॉर सेल कर देगा। जैसे कि जी हमने सेंसिस किया, सेंसिस किया, हमने मरदमशुमारी की है, हमने सारे लोगों का डाटा लिया, उसमें से इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अनपढ़ हैं। अब वो डाटा नहीं सेल करेंगे क्योंकि देखें ये सारा डाटा है, ये आप लोगों को हमने शेयर कर दिया है, आप लोग देखें किसका मोबाइल नंबर है, किसका क्या CNIC नंबर है, वो नहीं शेयर किया जाएगा, वो एसेट है उसका, ठीक है। जबकि वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे कि इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अनपढ़ हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन, इसकी डिफ़िकल्ट है हमारे पास डाटा की। अगर हमारे पास एक दफ़ा डाटा लॉस हो गया तो हम लोग उसे दोबारा कैदर नहीं कर सकते, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है वो हम किसी ना किसी तरीके से उसे दोबारा आप कह लें कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद यूज़, डाटा हमारे पास कम यूज़ होता है, ठीक है, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है। जैसे कि डाटा देखें, हम मैंने आपको भी इन्फॉर्मेशन दी, आपको भी मैंने बताया जैसे कि जी सेंसिस किया गया, एक दफ़ा हमने सेंसिस किया, हमने जो रिज़ल्ट गैदर कर लिया, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई, हमने जो भी डिसीजन आगे लेने हैं वो हम इन्फॉर्मेशन के बेस पे लेंगे, हम डाटा के बेस पे नहीं लेंगे कि जी डाटा इस तरह का था या इतने लोग थे कौन नहीं थे, वो चीज़ें हम नहीं देखेंगे। हम सिंपल क्या करेंगे, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन लिया, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अनपढ़ हैं, या इतने लोग ये काम कर रहे हैं, इतने ये नहीं कर रहे हैं, तो उसी के बेस पे हम लोग डिसीजन लेंगे कि हमने आगे किस तरह मूव करना है। इंडिपेंडेंसी जो है, इंडिपेंडेंस डाटा जो सा होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। वो हमने डाटा गैदर किया, हमें कोई डिपेंडेंसी नहीं उसके अंदर कि हम किसी के ऊपर डिपेंड करें, रॉ फैक्ट एंड फिगर हैं, आते गए हमारे पास डाटा कलेक्ट होता गया, जस्ट वो इंडिपेंडेंट है हमारे पास डाटा। जबकि इन्फॉर्मेशन वो डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डाटा के ऊपर, ठीक है। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं है तो हम इन्फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपेंडेंट है, जबकि डाटा जो है वो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं मेटा डाटा की, कि मेटा डाटा क्या है, डाटा अबाउट डाटा, डाटा के बारे में जो डाटा है उसे हम कहते हैं मेटा डाटा। करेक्टरिस्टिक कि जी डाटा तो है, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होंगी, जैसे उसने यहाँ पे देखें शो किया गया है कि ये फील्ड है, रोल नंबर, डाटा टाइप क्या होगी इसकी, उसने बताया जी इंटीजर होगी, लेंथ कितनी होगी 5 की होगी, डिस्क्रिप्शन रोल नंबर किन के हैं, उन्होंने बताया पीपल के हैं, कॉन्स्ट्रेंट बताई गई कि जी 1 से लेकर 500 तक, ठीक है। ये डाटा की
आगे कह लें आपने डेटा का डेटा रखा हुआ है, ठीक है। आगे देखें नेम आया अल्फाबेट, ठीक है। नेम डेटा था हमारा, इसका आगे डेटा कि ये डेटा किस तरह का डेटा होगा, उसमें बताया जी अल्फाबेट होंगे, ठीक है। लेंथ उसकी 60 की होगी, डिस्क्रिप्शन नेम ऑफ पीपल्स कैसे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया, एड्रेस हो गया। जैसे अब देखें एड्रेस हमारा डेटा है, लेकिन उसका फर्दर आगे डेटा है कि डेटा ये हमारा किस तरह का डेटा होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा, लेंथ इतनी होगी, एड्रेस होगा, बेसिकली ईमेल हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास मेटा डाटा कहलाएंगी। डाटा अबाउट डाटा, डाटा के बारे में आपके पास क्या डाटा है, क्या चीज़ नहीं है, वो हमारे पास मेटा डाटा कहलाती है। जैसे नीचे उसने एग्जाम्पल में भी बताया है कि जी जिसका नेम है यहाँ पे देखें, नेम नूर, एड्रेस रावलपिंडी। अब ये तो हमारे पास डाटा आ गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऊपर देखिए उसने बताया था नेम किस तरह के होंगे, अल्फाबेट होंगे, एड्रेस किस तरह का होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा। तो डाटा अबाउट डाटा, ठीक है, डाटा का आगे क्या डाटा है उसे हम कहते हैं मेटा डाटा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने डेटाबेस में बार बार डिस्कस करनी होती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक दफ़ा, मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा ये हम लोग बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर करें, ताकि हम फर्दर आगे मूव कर सकें। उसके बाद आया था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या बेसिकली होता है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू हैंडल डाटा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अगर आज से हम कुछ अर्सा बैक चले जाएँ, आप 50 साल 60 साल पहले चले जाएँ, जब कंप्यूटर नहीं था हमारे इधर, तो आप लोग देख आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, लेकिन सुना ज़रूर होगा कि जी फाइलों के अंदर दस्से बनाए जाते थे, रजिस्टर बनाए जाते थे, वहाँ पे उन लोगों को रिकॉर्ड मैनुअली रिकॉर्ड रखा जाता था कि जी लिख लिया गया है, मार्कर के साथ लिखे गए हैं सारे रिकॉर्ड, फाइलें बनाई गई हैं, रजिस्टर बनाए गए हैं, उन्हीं के ऊपर बेसिकली लिखा होता था, कोई कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जब कंप्यूटर आया तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो थी डाटा को हैंडल करने के लिए, वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम बेसिकली आप कह लें उन्हें हम कहते हैं, वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट थी टू हैंडल डाटा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। डाटा को पहली दफ़ा कंप्यूटर की मदद से आप कह लें हैंडल करने की जो कोशिश की गई है, उसे हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम कहते हैं। दिस मेथड इज़ स्टिल यूज इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग जितनी भी आपकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अभी भी ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम ही यूज़ हो रहा है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये हम फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके सर्वर के पास कोई चीज़ नहीं होती, सर्वर वगैरह नहीं बनाए जाते, सेपरेट चीज़ें रखी जाती हैं। हर कंप्यूटर का अलग अलग डाटा होगा, जिस तरह आप कह लें कि एक डिपार्टमेंट है, आप यूनिवर्सिटी की बात कर लें कि अकाउंट ऑफिस है, एडमिशन ऑफिस है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। अब इन सब का डाटा सेपरेट इन इनके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, कोई सेंट्रलाइज नहीं कि जी एडमिशन, वो जो आप कह लें कि जी एडमिशन वाले जो हैं, या आप कह लें कि अकाउंट ऑफिस वाले जो हैं, वो किसी IT डिपार्टमेंट के लोगों का चेक कर सकें, या IT डिपार्टमेंट वाले CS वालों का चेक कर सकें, या CS वाले मैनेजमेंट वालों का, नहीं, इनका अलग-अलग सेपरेट जो है वो डाटा है, इनके पास सिर्फ अपना डाटा है। तो इसे दिस मेथड इज स्टिल यूज इन डेवलपिंग कंट्री जो है हमारी, वहाँ पर यूज़ किया जाता है इसे अभी भी। इन दिस सिस्टम वर्किंग डाटा इज स्टोर्ड ऑन डिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की डिस्क के अंदर बेसिकली इन्हें हम स्टोर करते हैं। ईच डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑन फाइल्स, द फाइल आर नॉट मीन्स फॉर अदर डिपार्टमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को भी एग्जाम्पल दिए यूनिवर्सिटी की, हर डिपार्टमेंट ने अलग अलग अपना डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। डाटा इन दिस सिस्टम सपोर्ट अ फ्यू एप्लीकेशन फॉर विच सिस्टम वॉज डिवेल्प। डाटा जो है वो बेसिकली सपोर्ट करता है फ्यू एप्लीकेशन को जो हमने उस सिस्टम के लिए डिवेल्प की गई हैं, उसके अलावा फर्दर ये हमारे पास कहीं भी यूज़ नहीं होता। जैसे कि आगे आपको एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है कि जी जहाँ पे देखें ये कुछ जो पर्सनल डिपार्टमेंट बना गया है, आप इसे HR डिपार्टमेंट कह लें, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का सारा डाटा है। उसके बाद अकाउंट डिपार्टमेंट कह लें, वहाँ पे उनके अकाउंट्स की सारी डिटेल, सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, ऐसा जो उनके पास इंफॉर्मेशन है। लोन का आगे डिपार्टमेंट है उसके पास उनकी। अब ये तीनों डिपार्टमेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं, लेकिन इनके पास फर्दर इनके पास सेपरेट सेपरेट डाटा है, इनके पास एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वेल फॉर्म में डाटा नहीं है कि ये सारे एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकें। लोन वालों के पास अलग डाटा पड़ा हुआ है, अकाउंट के पास
पास अलहदा है, किसी ने लोन ले लिया लेकिन अकाउंट ऑफिस को ही नहीं पता, किसी ने हमने एम्प्लॉय रख लिया तो अकाउंट ऑफिस को उसके बारे में नहीं पता। मीन्स के हर एक ने अपनी अपनी जो इंफॉर्मेशन या डाटा जो है वो सेपरेट रखा हुआ है, तो इसे हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम बेसिकली कहते हैं कि यहाँ पर सेपरेट डाटा जो है वो मैनेज किया जाता था। मल्टीपल डिसएडवांटेज हैं हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के, जैसे डाटा रिडंडेंसी, मीन्स कि एक ही डाटा बार बार हर जगह पे रिपीट हो रहा है। जैसे आप लोगों का नाम है, आप लोगों का रोल नंबर है, पहले सीएस डिपार्टमेंट में भी पड़ा हुआ है, उसके बाद फिर वो एडमिशन डिपार्टमेंट में भी पड़ा है, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में भी पड़ा है। मीन्स हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग एक ही डाटा, एक ही इंफॉर्मेशन जो है वो सेपरेट जगह पर पड़ी हुई है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये डिसएडवांटेज है, रिडंडेंसी है, डाटा बार बार रिपीट होता है, ठीक है, डुप्लीकेट बन रहा है। उसी तरह डाटा इनकंसिस्टेंसी आती है कि एक जगह हमने मल्टीपल वर्जन डाटा के क्रिएट हो गए हो जाते हैं, जैसे कि एक डाटा है उसे हमने अपडेट नहीं किया, ठीक है, अकाउंट ऑफिस वालों ने कोई अपडेट नहीं किया लेकिन सीए डिपार्टमेंट वालों ने अपडेट कर दिया, अकाउंट ऑफिस वालों ने अपडेट कर दिया लेकिन सीएस डिपार्टमेंट वालों ने नहीं किया, एडमिशन वालों ने डिपार्टमेंट, तो अब हमारे पास मल्टीपल वर्जन आ गए, ठीक है, डाटा के, तो ये डाटा इनकंसिस्टेंसी है, ये डिसएडवांटेज है। अब कौन सा डाटा ठीक है कौन सा नहीं, इसमें हमारे लिए मसले मसाइल क्रिएट हो जाते हैं, तो ये डाटा इनकंसिस्टेंट, ये डिसएडवांटेज है। हाई स्टोरेज कॉस्ट, जारी बात है, हर जगह अलग अलग पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास हाई स्टोरेज कॉस्ट बन जाता है कि इतना डाटा कैसे इसे हमने सेपरेट रखना है। उसके बाद डाटा आइसोलेशन आ जाता है, एज अ डाटा ऑफ सेम पर्सन इज स्टोर्ड ऑन डिफरेंट फाइल्स हैज इट बिकम डिफिकल्ट टू डिवेल्प एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन डाटा ऑफ डिफरेंट फाइल। अब एक एप्लीकेशन वगैरह बनानी है, डाटा हर जगह सेपरेट पड़ा हुआ है, कैसे उसे सेंट्रलाइज किया जाए, कैसे उसे मेनटेन किया जाए, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, वो हमारे लिए मसले मसाइल आ जाते हैं। इंटीग्रिटी एक्यूरेसी पर हमारे पास मसला आ जाता है, डज नॉट फॉलो मेटा डाटा हेंस इंटीग्रेशन, ये हमारे पास इंटीग्रेशन जब एक्यूरेसी जो है उसकी हमारे पास प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर। उसके बाद प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसीज, डाटा जो है वो डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, डिपेंडेंसीज के इशू आना शुरू हो जाते हैं, एटोमिस्ट्री प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, डाटा सिक्योर ही नहीं रहता आपके पास, मेंटेनेंस का इशू आना शुरू होता है। मीन्स कि ये हमारे पास कुछ 9 पॉइंट दिए गए हैं कि यार ये हमारे पास मसले मसाइल ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के हवाले से आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद डेटाबेस, अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। ये तो अभी हमने सारी चीज़ें देखी कि जी डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या था, अब डेटाबेस की हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसका हम मेन जो हमारा डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस पहले लफ्ज़ के ऊपर अब हम फोकस करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ देखें डेटाबेस जो था, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। डेटाबेस की डेफिनेशन है कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, उसे मुनज्जम तरीके से एक जैसे डेटा को एक बेहतर तरीके से कंपैक्ट फॉर्म में एक जगह पे आप लोग रखते हैं। ऑर्गेनाइज मीन डेटा स्टोर्ड इन सच अ वे दैट यूजर कैन यूज डेटा इजीली। मीन्स के मेरे पास अगर एक डेटाबेस बनी हुई है सारे स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की, मैं एक क्लिक पे एक स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस एक तैयार है, ऑर्गेनाइज्ड है हमारे पास, हमें कोई मसले मसाइल नहीं, हमें ये नहीं टेंशन जो हमने अभी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर देखा था, ये हमारे पास मल्टीपल मसाइल हैं, एक्यूरेसी का उसके अंदर मसला, रिडंडेंसी का मसला, कौन ठीक है कौन सा नहीं ठीक है, वर्जन हमारे पास आए थे, वो सारे मसले मसाइल हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। रिलेटेड मीन टू स्टोर डाटा अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक्स, ये नहीं होगा कि जी रिलेटेड डाटा नहीं, आपका डाटा पहले कुछ और चल रहा है फिर कुछ और आ गया है। फॉर एग्जांपल आप कह लें कि बैंक का है, ठीक है, एक बैंक है, उसके पास अपने अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन होगी, अपने अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन होगी, अपने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन होगी, उनके पास ये कॉलेज की इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि कॉलेज में के कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं, उन्हें अपने काम से रिलेटेड जो उनके रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें होंगी। इररेलीवेंट डाटा जो है वो डेटाबेस के अंदर नहीं रखा जाता। उसके बाद एफिशिएंट मीन यूज़र कैन सर्च डाटा क्विकली, यूज़र जो है वो इजीली जो है वो डाटा जो है असेस कर सकता है, एफिशिएंट तरीके से असेस कर सकता है। उसके बाद कंपैक्ट मीन डाटा ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल स्पेस, देखें स्मॉल स्पेस होगी क्योंकि एक जगह हमारे पास डाटा पड़ा है, हमारे लिए मसले मसाइल ख़त्म है कि जी
किस जगह पे पढ़ा है, किस जगह पे नहीं, ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, ज़्यादा मेमोरी नहीं ले रहा है, एक जगह पे पढ़ा है, स्मॉल मेमोरी यूज़ हो रही है, कम्पैक्ट फॉर्म में हमारे पास, हम जिस टाइम चाहे उसे एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम लोग उसकी बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो बेसिकली डेटाबेस क्या है कि जी, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड स्टोरेज स्टोर्ड इन एफिशिएंट रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। तो बेसिकली ये हमारे पास डेटाबेस होती है कि आप डेटाबेस क्या है, आप एक डेटा को, एक रिलेटेड डाटा को, रिलेटेड डाटा को अच्छे तरीके से कम्पैक्ट फॉर्म में एक जगह पे स्टोर कर। दोबारा सुन लें, डेटाबेस क्या है, बेसिकली रिलेटेड डाटा को एक जगह पे एक अच्छे तरीके एफिशिएंट फॉर्म में कम्पैक्ट मैनर में आप लोग उसे स्टोर कर लें, तो वो आपकी डेटाबेस होती है। उसके बाद डेटाबेस के आगे हम देखते हैं टेबल्स वगैरह होते हैं, ये बेसिक चीज़ें ही हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टेबल बेसिकली क्या होते हैं, जो हमने आपको, मैं एक और बात बताऊँ, डेटाबेस में हम टूल भी यूज़ करेंगे, मल्टीपल टूल यूज़ कर सकते हैं कि हमने किस तरह इन सब को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। तो अगर हमें ये बेसिक चीज़ें पता होंगी तो हम टूल यूज़ करना हमारे लिए इफेक्टिव हो सकता है। अगर हमें ये टेबल का नहीं पता, हमें ये डाटा का नहीं पता, हमें इंफॉर्मेशन का नहीं, हमें डाटा के टाइप का नहीं पता, हमें लेंथ का नहीं पता, तो हम लोग काम नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों ने ये चीज़ें लाजमी अच्छे तरीके से देखनी है। अब टेबल के बारे में बात करें, टेबल इज़ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डाटा बेस स्ट्रक्चर। डाटा बेस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आप लोगों का टेबल। पर्पज़ इज टू स्टोर डाटा, के डाटा को बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है, डाटा को स्टोर करना। टेबल कंसिस्ट ऑफ रॉज एंड कॉलम, टेबल बे के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक रॉ और एक कॉलम। इसे बेसिकली हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रॉ है, ठीक है, और ये हमारे पास बेसिकली है कॉलम। वेरी कन्वीनियंट वे टू स्टोर डाटा, डाटा इन टेबल कैन बी मैनिपुलेटेड इजिली। डाटा आप देखें, आप डेटाबेस की, हम सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम डेटाबेस कॉलेज के बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बना रहे हैं, वहाँ पे कितने लोग होंगे, कौन कौन से लोग होंगे, अब वहाँ पे स्टूडेंट होंगे, एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट का अलहदा टेबल बन जाएगा कि स्टूडेंट का नेम ये होगा, उसके फादर का नेम, फील्ड बना ली जाएंगी, नेम होगा, फादर का नेम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एड्रेस होगा, उसका मेरिट होगा। एम्प्लॉय का भी इसी तरह होगा, एम्प्लॉय का नेम, फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी सैलरी, उसके जितने भी उससे रिलेटेड होंगी वो सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर कर ली जाएंगी। तो उस टेबल, उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, टेबल कह देते हैं। टेबल जो है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, रॉ और कॉलम। अभी हम फर्दर इन्हें रॉ और कॉलम को आगे डिस्कस करते हैं। रॉ, रॉ बेसिकली हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द टेबल, ये जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है इसे हम कहते हैं रॉ है, रिकॉर्ड है। हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ टेबल, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारा रॉ को आप रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, रॉ भी कह सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि जी इस रॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो बेसिकली आप पूरा वो रिकॉर्ड देंगे, जैसे यहाँ पे उसने मेंशन किया है शहजाद एमएससी, उसका ईमेल एड्रेस उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया है। कॉलम और फील्ड, कॉलम को आप फील्ड कह लें या कॉलम कह लें, वर्टिकल पार्ट ऑफ टेबल, ठीक है। वर्टिकल पार्ट जो सा होता है, जिसने नेम का यहाँ पे उसने बताया, शाहरुख हो गया, शहजाद हो गया, नवाज हो गया, इसे कॉलम को हम क्या कहते हैं, फील्ड है। ये दो चीज़ें, फील्ड और रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, रो, रो को ही आप रिकॉर्ड कहते हैं, कि मींस उस पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन, जैसा स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कह लें शहजाद है, एक स्टूडेंट है या एम्प्लॉय है, उसकी अब सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैंने कहा जी रिकॉर्ड दें शहजाद का, आपने पूरी वो रो देंगे कि इसका नाम ये है, इसकी एजुकेशन ये है, इसकी ईमेल एड्रेस ये है। उसके बाद कॉलम, मैंने कहा जी कॉलम बताएं फील्ड, कि इस टेबल की कितनी फील्ड है, इस टेबल के में 5 फील्ड रखी हैं जी। कॉलम, इसका नेम होगा, फादर नेम होगा, उसके बाद इसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, इसका एड्रेस होगा, इसकी सैलरी होगी। मींस अब ये मैंने 5 फील्ड रखी इस टेबल की, ठीक है। और उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हम मल्टीपल रिकॉर्ड, मल्टीपल रोज क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल है, लास्ट स्लाइड है हमारे लेक्चर की, एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। अब यहाँ पे देखें, हम अब अपने पूरे कॉन्सेप्ट को समराइज़ कर रहे हैं कि वो एग्जांपल दे रहा है कि जी डेटाबेस जो जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें होती रहती हैं, हम उनमें से किसको डेटाबेस कहते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम डेटाबेस हैं, हमारे इर्द गिर्द हम देखते रहते हैं। फ़ोन डायरेक्टरी, फ़ोन डायरेक्टरी जो है, जहाँ पे देखें सारी डिटेल होती है कि ये जो इनका फ़ोन नंबर है, ये इनका एड्रेस है, ये चीज़ें हैं, वो बेसिकली फ़ोन डायरेक्टरी भी एक डाटाबेस है। लाइब्रेरी सिस्टम,
यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चले जाएँ, वहाँ पे सारी बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक, इसका ऑथर क्या है, ये कब परचेज़ की गई थी, ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास लाइब्रेरी में, हमारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, कौन रजिस्टर है कौन रजिस्टर नहीं है, ठीक है, कितनी बुक इशू की गई है कितनी, वो आप देखें रिलेटेड डाटा एक वेल मैनर में कम्पैक्ट फॉर्म में हमारे पास सेव है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ये हमारी डेटाबेस है। अकाउंट्स हो गए कि किसने फ़ी जमा कराई किसने फ़ी नहीं जमा करवाई, हमारा बजट क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास इस टाइम अकाउंट में कितना बजट है कितना बजट नहीं है, हमें क्या करना है, किस बच्चे ने फ़ी जमा कराई है किसने नहीं, वो अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली हमारी क्या है, डेटाबेस, हम उसे डेटाबेस कहते हैं। उसके बाद कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, कितने एम्प्लॉय कितने स्टूडेंट है, किसने पे किया है किसने पे नहीं किया, किसे पे करना है किसे पे नहीं करना, तो ऐसे सारी जो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो होगी हमारे पास कॉलेज के एक डेटाबेस के अंदर, तो वो भी हमारी एग्जांपल होगी डेटाबेस की। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी स्लाइड में भी, बिना झिझक आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है, वॉइस मैसेज कर दें टेक्स्ट मैसेज कर दें, जो भी मसला मसाइल हो आप लोगों ने लाजमी डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।